बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्ही आना। हे गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस जेस्टे के बारे में, यानी कि सेक्शन 6 ऑफ इंडियन रेवेन्यू एक्ट। और पहले हम डिस्कस करेंगे इसका सेक्शन और इलस्ट्रेशन। सेक्शन 6 हम डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे बारी बारी से। फिर उसके बाद हम जो रेलेवेंट केस लॉज है इससे रिलेटेड, रेस जेस्टे से रिलेटेड जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो भी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इंडियन एविडेंस ऐप की जो भी वीडियोस मैंने बनाई है, अगर आपको चाहिए तो उसके मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले बैरेट से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका सेक्शन है, सेक्शन 6, ये आपका रेस जेस्टे से डील करता है और ये रेस जेस्टे का आधार है। इसका मतलब है, ये कहता है कि वो फैक्ट्स को हमने पढ़ा था सबसे पहली वीडियो जो मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट में बनाई थी, उसमें फैक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। फैक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई काम किया जाना, कुछ सुना या फिर कुछ कहा या फिर कुछ देखा, सब कुछ चीजें फैक्ट होती है। फैक्ट साइकोलॉजिकल भी होते हैं, किसी की कोई डिजायर है, कोई इंटेंशन है, तो सब फैक्ट होते हैं। तो यानी कि फैक्ट जो कि इशू में तो नहीं है, यानी कि जो फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन वो फैक्ट इन इशू से ऐसे कनेक्टेड हैं कि वो सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट को फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या माने जाते हैं? रेलेवेंट माने जाते हैं, चाहे वो अकर हो रहे हो सेम टाइम एंड प्लेस पर या फिर डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस पर वो अकर हो रहे हो। तो ये है आपका सेक्शन 6, यानी कि रेस जेस्टे, जिसका मतलब ये होता है ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्य जो कि विवादकीय तथ्य नहीं है, लेकिन विवादकीय तथ्य से इस तरह से कनेक्टेड हैं जो कि सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट को फॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो रेलेवेंट तथ्य कहलाते हैं, चाहे वो अकर हो रहे हो सेम टाइम और सेम प्लेस पर या फिर डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेसेस पर। तो ये जो रेस जेस्टे होता है, इसका मतलब होता है कि सेम ट्रांजेक्शन के कोर्स में अगर क्या होता है, कुछ किया जाता है या कुछ बोला जाता है, उसको हम कहते हैं रेस जेस्टे। यानी कि जैसे कि कोई काम हो रहा है, उस काम के दौरान कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो वो सब क्या होगा? रेस जेस्टे होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर क्या हो रही है? डकैती हो रही है। अब जब डकैती हो रही है, उस दौरान जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी मतलब किया जा रहा है, एक किसी पर्सन का कुछ कहा जाना, डकैती करते समय जो जितने भी मुजरिम है, जो भी क्रिमिनल है, वो कुछ कह रहे हैं, वो सब चीजें क्या हैं? वो सब क्या मानी जाती हैं? वो मानी जाती हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन मानी जाती है, और वो रेलेवेंट होती है सेक्शन 6 के तहत, रेस जेस्टे के अंदर वो आती है। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं, जैसे कि मान लो एक क्राइम कमिट हुआ है, उस क्राइम के कमिट होते टाइम, यानी कि या तो उस क्राइम के होते टाइम या उस क्राइम के होने से इमिजिएटली पहले या इमिजिएटली बाद, और वो इमिजिएटली इतना ज्यादा इमिजिएटली होना चाहिए कि कोई स्टोरी, कोई मतलब व्यक्ति अपने दिमाग में कहानी ना बना सके, तो वो जो कुछ भी हुआ होगा, जो कुछ भी कहा गया होगा उस क्राइम के इमिजिएटली पहले, इमिजिएटली बाद या उस क्राइम के दौरान, वो सब चीजें क्या मानी जाती हैं? वो सब चीजें होती हैं आपकी रेस जेस्टे के अंदर रेलेवेंट, वो सब चीजें वो रेलेवेंट मानी जाती हैं सेक्शन 6 के तहत। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मतलब है जैसे कि कोई क्राइम हो गया और या फिर कोई रॉन्ग हो गया या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये सब चीजें। तो इसमें पहली इलस्ट्रेशन दे रखी है कि ए जो है वो एक्यूज है बी के मर्डर का, और उसने बी की मृत्यु कैसे करी है? उसको मार मार कर, यानी कि उसकी पिटाई करके उसने उसकी मौत कारित की है। तो जो कुछ भी ए और बी के द्वारा कहा गया और किया गया जब वो उसको मार रहा था उस टाइम पर, और या फिर जो भी वहां पर लोग खड़े थे उनके द्वारा जब वो क्या कर रहा था, ए बी को मार रहा था, उस दौरान कुछ किया गया या कहा गया, वो सब चीजें क्या मानी जाएंगी? वो मानी जाएंगी वो फॉर्म कर रही हैं
ट्रांजेक्शन के पार्ट को और वो रेलेवेंट फैक्ट मानी जाएंगी। तो ये आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। जैसे कि इसको मैं आपको बता सकती हूँ एक और तरीके से कि जो ट्रांजेक्शन है ये दो चीज़ों को कंसिस्ट करता है। पहला फिजिकल एक्ट यानी कि कुछ किया जाना, और ये एक्ट जब हम कमिट कर रहे हैं ना ये एक्ट, तो ये कुछ मतलब वर्ड इसके साथ अगर अकम्पनीड है, मतलब बोले जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं हम, और कुछ करते हुए हम कुछ बोल रहे हैं, तो दैट इज ये दोनों चीज़ें ट्रांजेक्शन में फॉल होती हैं। दोनों चीज़ें कंसिस्ट करता है आपका ट्रांजेक्शन। तो दोनों चीज़ों को हम देखेंगे कि ये क्या है, ये रेलेवेंट है या नहीं है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्राइम कमिट हो रहा है, उस क्राइम के कमिट होते टाइम या फिर इमिजिएटली बिफोर और आफ्टर कुछ किया जाना, या फिर कुछ अगर किया जा रहा है तो उस किए जाने के साथ साथ अगर कुछ वर्ड्स भी बोले जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होंगी, और वो सब चीज़ें मतलब वो जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं जो क्राइम कमिट कर रहे हैं, जैसे कि ये ए और बी ये क्राइम कमिट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक एक्ट कमिट कर रहे हैं, और ये दोनों कुछ बोल रहे हैं, तो वो भी रेलेवेंट होगा। इसके अलावा इनके क्राइम कमिट करते दौरान बाकी के जो लोग हैं वो कुछ बोल रहे हैं या फिर वो कुछ कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, वो भी रेलेवेंट होगा, वो भी रेस जेस्टे माना जाता है। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कि जो ए है वो एक्यूज है इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज करने के लिए, यहाँ पर क्वीन हटा देना, इंडियन गवर्नमेंट कर देना, और उसने पार्ट लिया था ऐसे आर्म इंसर्शन में जिसमें क्या किया जाता था, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जाता था, ट्रूप्स यानी कि जो कि फौज वगैरह होती है उनके ऊपर अटैक किया जाता था, और ताले वगैरह तोड़े जाते थे और जेल वगैरह तोड़ी जाती थी। तो जो कुछ भी हो रहा है ये सब चीज़ें क्या मानी जाएंगी, ये रेलेवेंट मानी जाएंगी, भले ही ए पर्सन इसमें प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन उसने आम इंसर्शन में पार्टिसिपेट लिया था, और वो ऐसा आम इंसर्शन था जिसमें ताले तोड़े जाते थे, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जाती थी, जेलें तोड़ी जाती थी, और ट्रूप्स के ऊपर अटैक किया जाता था। तो ये चीज़ क्या है, ये फॉर्म कर रही है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, तो ये क्या मानी जाएगी, रेलेवेंट मानी जाएगी। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को मैं ऐसे बताऊंगी आपको, जैसे कि ये ए है और ये बी है, इनके बीच में क्या होता है, पत्र व्यवहार होता है, यानी कि एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहते हैं। अब हुआ क्या, ए ने यहाँ पर बी को इस चीज के लिए सू किया है, ए सूज बी फॉर लिबल, मतलब कि जो बी है उसने उसको एक अपमानजनक लेटर लिखा है जिसमें मतलब लिबल किया है उसने उसको, या फिर जिसको हम कह सकते हैं रिटर्न डिफेमेशन किया है। तो जो भी बाकी के जो लेटर हैं इनके दोनों के बीच में जो लेटर व्यवहार हुआ, जो पत्र व्यवहार हुआ, वो बाकी भी क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा, भले ही उन बाकी में लिबल कंटेन हो या ना हो। इतनी बात क्लियर, तो ये रेस जेस्टे में फॉल होता है। अब नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन की क्वेश्चन ये है कि जो ए ने ऑर्डर किया था बी से गुड्स, वो ए को डिलीवर हो गया है या नहीं। तो ये है आपका ए पर्सन, ये है बी। अब इसने ये गुड्स डिलीवर के लिए भेजा, तो पहले यहाँ पर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर उसके बाद ए के पास पहुँचा। तो ये बीच की भी जो डिलीवरी है वो प्रत्येक डिलीवरी क्या हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी, और रेस जेस्टे में फॉल होगी। अब इलस्ट्रेशन से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि रेस जेस्टे क्या होता है, और रेस जेस्टे की हमने इलस्ट्रेशन भी डिस्कस कर ली है। अब ये जो केसेस हैं हम इनको ऐसे की ऐसे डिस्कस करेंगे, मैं सीधे सीधे बताती जाऊंगी, बाकी इसमें मैंने कोई मटेरियल नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको रेस जेस्टे के बारे में क्लियर हो गया कि रेस जेस्टे क्या होता है, कि जैसे कि कोई क्राइम या फिर कोई रॉन्ग या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जैसे कि ए और बी पर्सन के बीच में हुआ है, उस दौरान जब ये कोई क्राइम कमिट कर रहे थे उस या फिर उसके इमिजिएटली पहले या फिर उसके इमिजिएटली बाद में इन्होंने जो कुछ भी कहा या फिर जो कुछ भी किया, या फिर इसके अलावा जो लोग थे आसपास उन्होंने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी कहा, वो सब चीज़ें क्या मानी जाती है, रेलेवेंट मानी जाती है और रजिस्टर मानी जाती है। यानी कि ये एक माला के मोती माने जाते हैं, कि ये पूरी एक माला है, ये पूरी एक चेन है, ये पूरी एक सीरीज है, तो ये रजिस्टर है। सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो रजिस्टर है ये एक एक्सेप्शन है किस चीज़ का, कि जो एविडेंस होते हैं ना आपके हेयर से वो एडमिसेबल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर
आपको पता होना चाहिए हेयर से एविडेंस क्या होते हैं। हेयर से एविडेंस वो एविडेंस होता है, जैसे कि मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है, सी को डी ने मार दिया, ये चीज किसने देखी, बी ने। अब बी क्या करता है, ए को आके बताता है जो ये हो गया बी, ये तो इसका मतलब बिल्कुल रियल विटनेस हो गया, लेकिन ये बी को आकर बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था भाई। तो अब ए ये बात जाकर कोर्ट में कहता है, तो ये क्या माना जाएगा कि इसने क्या किया है, ये जो दे रहा है ना ये हेयर से एविडेंस है, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें हैं जो कि मतलब बहुत ही कम एडमिसेबल होती हैं, जो कि एडमिसेबल होती ही नहीं है। ये क्या है कि जो हेयर से एविडेंस है वो एडमिसेबल नहीं होते हैं, लेकिन वो अगर एडमिसेबल होते हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में होते हैं, जैसे कि पहला फॉर्म है इसका रेस जेस्टे, एडमिशन, कन्फेशन। तो ऐसे ही आपके हेयर से एविडेंस एडमिसेबल नहीं होते, इस बात के बहुत सारे एक्सेप्शन है और उनमें से एक एक्सेप्शन आपका रेस जेस्टे भी है। तो इससे रिलेटेड एक केस है आर वर्सेस फॉस्टर, 1834 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि जो डिसीज पर्सन था, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट किया था एक स्पीडिंग ट्रक ने। तो जो विटनेस था उसने सिर्फ और सिर्फ स्पीडिंग ट्रक को देखा था, और डिसीज ने मतलब जो विक्टिम है, विक्टिम नहीं जो विटनेस है, उसने बताया था कि मतलब उसने सिर्फ स्पीडिंग ट्रक को देखा था, लेकिन उसने एक्सीडेंट को नहीं देखा था कि जो स्पीडिंग ट्रक था उसने डी को कुचला, यानी ये नहीं देखा था, बस स्पीडिंग ट्रक को देखा था। लेकिन अब डी ने ये बताया कि उसका एक्सीडेंट स्पीडिंग ट्रक की वजह से हुआ और ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ। तो यहाँ पर ये जो बात इसने उसको बताई, ये जो स्टेटमेंट और उसका स्पीडिंग ट्रक को देखना, ये सब क्या मानी जाएंगी, सेम श्रृंखला है, ये सेम सीरीज है, तो ये रेस जेस्टे में क्या होगी, एडमिसेबल होगी। तो ये एक तरह का सुना हुआ साक्ष्य है, हेयरसी एविडेंस है, लेकिन ये हेयरसी एविडेंस जैसे कि पता ही एडमिसेबल नहीं होता है, तो ये इस बात का एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए एक केस है आर वर्सेस बेडिंग फिट। इसमें हुआ क्या था कि जो एक विक्टिम थी वो क्या करती है, वो रूम से बाहर आती है और उसका गला कटा हुआ होता है, और अपनी आंट को बोलती है, किसी आंट की जो आपका जो बेडिंग फिट है उसने मेरे साथ क्या किया, तो ये बोलती है। तो यहाँ पर ये चीज रेस जेस्टे में फॉल नहीं हुई, क्योंकि उसके आने से इमिजिएटली पहले ना ही कुछ एक्ट, ना ही कुछ सुनाई दिया, क्योंकि अगर किसी का कोई गला काटेगा तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, चीखने की आवाजें आनी चाहिए, कुछ नहीं हुआ, वो सीधा आकर बाहर ये बताती है। तो ये रजिस्टर में फॉल नहीं हुआ, और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने अपना गला खुद ही काटा हो, तो इसलिए इसको रजिस्टर में एडमिसेबल नहीं किया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट केस है आर वर्सेस रेजीना, आर वर्सेस क्वीन भी कहते हैं इसको, 1971 का केस है। इस केस में हुआ क्या था कि जो विक्टिम थी वो पुलिस को कॉल कर रही थी अपनी हेल्प के लिए, लेकिन जब तक ऑपरेटर उसका कॉल कनेक्ट करवाता, कॉल क्या हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है। अब जब पुलिस उस जगह पहुंचती है जहां से कॉल आया था, वहां पर उस व्यक्ति जिसने कॉल किया था, उस वुमेन की क्या मिलती है, डेड बॉडी मिलती है, और उसकी डेथ होने का टाइम और जिस टाइम पर उसने कॉल किया था वो दोनों क्या थे, सेम थे। तो और इस वजह से जो आप वहां पर मतलब उसका हस्बैंड था, उसको उसकी मौत के लिए मतलब चार्ज किया गया, लेकिन उसके हस्बैंड का ये प्ली था कि भाई ये जो कुछ हुआ है हमारे बीच में, मैंने उसकी डेथ कॉज की है, वो एक्सीडेंटल हुआ है, मतलब दुर्घटनावश हुआ है। तो उसके कॉल से पुलिस ने बात इन्फर की थी कि भाई ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, क्योंकि जब उसका कॉल आया उसी टाइम पर उसकी डेथ कॉज, उसके कॉल आने की इमिजिएटली बाद, तो कॉल जब उसने किया उस टाइम पर उसने जो कुछ भी कहा था डिस्कनेक्ट होने से पहले, और उसका कॉल किया जाना, ये सब रेस जेस्टे में फॉल होता है, और ये इस बात को बताता है कि जो उसकी डेथ कॉज हुई थी वो एक्सीडेंटल नहीं बल्कि इंटेंशनल डेथ थी, इंटेंशनल डेथ उसके हस्बैंड ने उसकी कॉज की थी। तो ये था आपका आर वर्सेस रेजिना 1971 का केस। इसके बाद एक केस है एमपी जयराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये 1980 का केस है। इस केस में हुआ क्या था कि जो ए पर्सन था वो क्या कर रहा था, बी को असोल्ट कर रहा था, और उस टाइम पर जो उसको असोल्ट कर रहा था, सी एंड डी ये चिल्ला रहे थे कि ए बी को असोल्ट कर रहा है, ए बी को असोल्ट कर रहा है। तो उनका ये चिल्लाना क्या है, सेम ट्रांजेक्शन का प्ले
पार्ट फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, ये रेस जेस्टे में फॉल होता है। नेक्स्ट है आपका केस क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। इस केस में जेस्चर को रेस जेस्टे के प्रीव्यू में रेलेवेंट माना गया था, क्योंकि इसमें जो विक्टिम था उसने जेस्चर्स करके, मतलब अपना इशारा, मतलब बॉडीली इशारा करके बताया था कि इस व्यक्ति ने मुझे मारा है। तो ये क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार डायरेक्ट से जरूर पढ़ना इसके फैक्ट्स। तो ये चीज जेस्चर को इस केस में क्या माना गया था, रेस जेस्टे के अंदर क्या माना गया था, रेलेवेंट माना गया था। इसके बाद नेक्स्ट केस है श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1991 का केस है, और इसी से रिलेटेड एक और केस है सांवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इन दोनों ही केस में बात बताई गई थी कि एफआईआर कब रेस जेस्टे बनती है। तो ये बात हेल्ड हुई थी कि जब एक एफआईआर लॉन्च की जाती है सून आफ्टर द एक्सीडेंट बाय पर्सन हु विटनेस्ड इट, जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट को देखा उस व्यक्ति ने तुरंत जाकर क्या किया, एफआईआर लॉन्च की। तो ये क्या है, ये पार्ट है सेम ट्रांजेक्शन का, और ये फॉल होता है किसमें, रेस जेस्टे में। तो इस तरह से एफआईआर क्या हो जाती है, रेस जेस्टे हो जाती है। इसके बाद एक केस था गुलाम वर्सेस आर, ये आपका 1930 का केस था। इस केस में हुआ क्या था, जो एक लड़की थी उसका रेप हुआ था, और वो जब उसका रेप हो गया उसके बाद जब कल्प्रिट वगैरह जो थे वो चले गए, वो घर आकर क्या करती है, अपनी मम्मी को बताती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो ये जो चीज थी इसको रेस जेस्टे में रेलेवेंट नहीं माना गया, रेस जेस्टे में एडमिसेबल नहीं माना गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट है ये और कहीं और रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो बात रेस जेस्टे में रेलेवेंट नहीं है वो कहीं और रेलेवेंट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी भी बहुत सारे सेक्शन है, सेक्शन 6 से लेकर आपके 55 तक है, वहां पर बहुत सारी सिचुएशन दे रखी है जिसमें बहुत सारी बातें रेलेवेंट हो सकती हैं, जो कि फैक्ट्स इन इशू से क्या होंगी, मतलब संबंधित होंगी, कनेक्टेड होंगी। तो ये आपका रेस जेस्टे था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेस जेस्टे क्या होता है, और जो भी मैंने फैक्ट्स आपको बताए, अब अगर आप अपनी बुक्स में पढ़ोगे ये सारे केस, तो ये केस लॉस आपको ऐसे दिमाग में फिट हो जाएंगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। ये बहुत ही आसान केस लॉस है, और ये बहुत ही लैंडमार्क केस है रेस जेस्टे के। तो ये आप एक बार जरूर अपनी बुक से पढ़ लेना, और ये इतना ही आपका रेस जेस्टे है। और अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको समझाया वही आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि मेरा दिल खुश हो जाए। और अगर आप शेयर नहीं कर सकते हो तो ये मेरा पेटीएम का क्यूआर कोड है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। दोस्तों आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप मतलब आप कंट्रीब्यूट ही करो, ठीक है, ये बस आपकी इच्छा है, आपको कंट्रीब्यूट करना है कंट्रीब्यूट कर दो, लेकिन शेयर करना तो बिल्कुल बाइंडिंग है भाई, शेयर कर दो जितना हो सके, कम से कम 50 लोगों को तो शेयर कर दिया ही करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ केसेस भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियोस आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट की बहुत मजेदार होने वाली है। इंडियन एविडेंस एक्ट ना आपको ऐसे टिप पर याद होने वाला है, बस आपको ये वीडियोज जो मैं बना रही हूँ इनको क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है, बस जितना सपोर्ट हो सके आप सपोर्ट करो, मैं फिर आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज लेकर आऊंगी, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।